दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऊंट संभोग कैसे करते हैं? और क्या आपको ये पता है कि ऊंट को जिंदा जहरीला सांप क्यों खिलाया जाता है? या फिर ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू इतने महंगे क्यों बिकते हैं? और सबसे आखिरी सवाल, क्यों ऊंट अपनी माँ के साथ संबंध नहीं बनाते? जी हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि ऊंट जितने नॉर्मल दिखते हैं ये उतने नॉर्मल नहीं होते। इस बात का यकीन आपको हमारे आज के वीडियो में पता चल जाएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह के वीडियो लगातार देते रहे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ऊंट होते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते, बल्कि नेचर ने बाकी जानवरों से उनको बहुत ही अलग बनाया है। इनका जीवन काल करीब 40 से 50 साल तक का होता है। ज्यादातर ऊंट का साइज हम इंसानों से भी काफी ज्यादा बड़ा होता है और उनकी गर्दन तो और भी ज्यादा लंबी होती है, वो इसीलिए ताकि ऊंट भरी बोझ उठाकर भी आसानी से चल पाए। दोस्तों, ऊंट के भोलेपन पर आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये दिखते तो बहुत ही सीधे हैं, लेकिन अगर इनका माथा एक बार सटक गया यानी गुस्सा अगर आ गया तो इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि इनके सामने कौन है और कौन नहीं। अपने दुश्मनों के साथ साथ अपने मौजूद किसी भी जानवर या व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं। गुस्से में ऊंट के मुंह से झाग निकलने लगते हैं, और यकीन मानिए अगर इनके मुंह से निकली झाग को आप अपनी आंखों से देख लें तो डर के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि जब इनके मुंह से झाग निकलता है तो उस दौरान ऊंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जब ऊंट गुस्से में होता है तो इसके मालिक को भी इसके पास जाने से डर लगता है। वैसे ये बात तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो 10 से 15 दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यदि वो गरीब जानवर जरूरत पड़ने पर 7 महीने तक बिना पानी के रह सकते हैं। जी हाँ, अब आप खुद सोच लीजिए इस जानवर को बिना पानी के जिंदा रहने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, और इसीलिए रेगिस्तान में ऊंट को इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि लंबे समय तक बिना पानी पिए रहने की वजह से इनका वजन काफी कम हो जाता है। नेचर ने इस जानवर को इस तरीके से बनाया है कि अपनी बॉडी में पानी को स्टोर करके ये रख सकते हैं, और फिर बॉडी के अंदर स्टोर किए गए इसी पानी का इस्तेमाल करके कई महीने तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान हालत इनकी खराब भी हो जाती है। हालांकि इनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, और फिर काफी लंबे समय के बाद ऊंट को पानी पीने के लिए मिलता है तो एक साथ करीब 100 से 200 लीटर तक पानी पी जाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, पर ये बात शायद आपको पता नहीं होगी, इस रेगिस्तान के जहाज को बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी हो जाती है, और जब ये बीमारी ऊंट को होती है तो उसके अंदर जहर बनने लगता है, और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो ऊंट की मौत भी हो सकती है। अब ऊंट को इस बीमारी से बचाने के लिए उसे जहरीला सांप खिलाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बात थोड़ी अजीब जरूर है लेकिन सत्य है। वैसे तो कई बार ऊंट रेगिस्तान के जहरीले सांप को पकड़कर खुद ही खा जाते हैं, लेकिन जो ऊंट ऐसा नहीं कर पाते उन्हें जबरदस्ती मुंह खोलकर कुछ इस तरीके से जहरीला सांप खिलाया जाता है। सांप को खाने के बाद ऊंट बीमार पड़ जाता है और कुछ दिनों के बाद खाना पीना सब छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही सांप के जहर का असर खत्म होने लगता है ऊंट को वापस भूख लगना शुरू हो जाती है, और इसी कंडीशन में वो सैकड़ों लीटर पानी पी जाते हैं, लेकिन उसकी प्यास बुझती नहीं है, इसीलिए ऊंट बार बार पानी पीता रहता है, और कुछ दिनों के बाद ऊंट की ये समस्या दूर हो जाती है और वो हमेशा के लिए सही हो जाता है। अगर ऊंट की खुराक की बात करें तो ऊंट एक दिन में 10 से 40 किलो तक चारा खा सकता है। ऊंट रेगिस्तान में पाए जाने वाले हर एक तरह के घास और कांटेदार पौधों को भी खा सकते हैं। वैसे हमें बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जीव जहरीले सांपों को खा सकता है उसके लिए भला कांटेदार पौधे क्या चीज है। वैसे आपको एक बात बता दें कि ऊंट शाकाहारी होते हैं। अगर ऊंट को भूख लगी हो और उसके सामने शाकाहारी भोजन ना हो तो वो मांस भी खा लेते हैं। ज्यादा भूख लगने की स्थिति में ऊंट मछली, मांस, यहाँ तक कि हड्डी भी खा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इंसान के अंदर की खुददारी तो देखी होगी, लेकिन खुददारी के मामले में ऊंट भी कुछ कम नहीं है, जो कभी भी अपनी माँ और अपने पैदा होने वाले उठनी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते। जबकि जानवरों की दुनिया ज्यादातर जानवर इस नियम को फॉलो नहीं करते। एक बार की बात है जब अरब देश में एक शख्स ने ऊंट की आंखों में पट्टी बांधी और उसे अपनी माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर दिया। बेचारे ऊंट को शुरुआत में कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो जो ऊंटनी उनके सामने थी वो कोई और नहीं थी बल्कि उसकी माँ थी, और इसी के चलते ऊंट काफी बौखला गया। यहाँ तक कि कई दिनों तक अजीबोगरीब हरकत करने लगा,
और उसके अंदर का दुख साफ जाहिर हो रहा था। हद तो तब हो गई जब ऊंट ने मौका पाते ही अपने उस मालिक को मौत के घाट उतार दिया जिसने अपने ही माँ के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों आपको बता दे, जब ऊंट रोता है या फिर जहरीले सांप को खाता है तो उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं, लेकिन ऊंट की आंखों से निकलने वाले आंसू बिल्कुल आम नहीं होते हैं, बल्कि ऊंट को पालने वाले लोग इन आंसू को इकट्ठा करते हैं और इन्हें बेच देते हैं, क्योंकि मार्केट में ऊंट के आंसुओं की काफी डिमांड है और ये काफी महंगे बिकते हैं। असल में ऊंट के ये जो आंसू हैं, इनका इस्तेमाल सांपों के जहर का एंटीडोट बनाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि मार्केट में ऊंट के आंसू बहुत महंगे दामों में बिकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में कई तरह के ऊंट पाए जाते हैं, जैसे कि एक कुबड़ वाला ऊंट, दो कुबड़ वाला ऊंट और कहीं पर तो तीन कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं। जगह और वितरण के हिसाब से ऊंट की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका रंग रूप कुछ जगह के हिसाब से होता है। और आपको ये बता दें कि आज के समय में दुनिया में 1,40,00,000 के करीब ऊंट मौजूद हैं। वैसे भी किसी न किसी इंसान के कब्जे में है। ऊंट को पालने वाले लोग ज्यादातर रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, जैसे कि अरब, अफ्रीका या फिर हमारा देश राजस्थानी इलाकों में। दोस्तों ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि रेगिस्तान में बेहद आसानी से चल सकता है। आमतौर पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, पर कभी कभी इनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो जाती है, और वो भी रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। इस तरह की रफ्तार रेगिस्तान में ऊंट के अलावा और किसी के पास नहीं हो सकती। ऊंट को पालने वाले लोग इनका दूध भी पीते हैं और बेचते भी हैं। असल में ऊंट के दूध में आम दूध के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कैल्शियम और आयरन होता है। यही वजह है कि ऊंट का दूध काफी महंगा बिकता है। वैसे दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, ऊंट का जो प्रजनन काल है वो 12 से 14 महीनों का होता है। उतनी सामान्यता एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी उठनी के जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। पैदा हुए उठनी के नवजात बच्चे का वजन 50 से 80 पाउंड होता है। ऊंट के बच्चे जन्म लेते ही 30 मिनट के अंदर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका बॉडी का विकास माँ के पेट में ही हो जाता है। जब कभी भी ऊंट पैदा होता है तो उसका कुबड़ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ऊंट का बच्चा बड़ा होता है उसकी पीठ का कुबड़ निकलना शुरू हो जाता है। उनके उम्र के साथ साथ कुबड़ भी बड़ा हो जाता है। जब हम इनके बारे में कुछ बता रहे हैं तो ये भी सुन लीजिए कि ऊंट की आंखों में 3 पलक होती हैं, जिन्हें रेगिस्तानी इलाकों में सुरक्षित रखती है। जब रेत की तूफान आती है तो इनकी पलक बंद हो जाती है ताकि रेत आंखों के अंदर ना आ पाए। वैसे आपको इसे खाने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि ऊंट का मांस काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो ऊंट का मांस होता है वो निमोनिया जलन जैसी समस्याओं को दूर करता है। वैसे कुछ लोग इसका इस्तेमाल मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसके मांस से कई सारे विटामिन्स और आयरन पाए जाते हैं। आज के समय भी अरब में ऐसी कई सारी जगह है जहां ऊंट के दौड़ की प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में दुनिया भर में ऊंट पालने वाले लोग अपने ऊंट के साथ यहां पर आते हैं और इसमें भाग लेकर मनोरंजन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऊंट के बारे में काफी जानने को मिला होगा। आपको ये रेगिस्तानी जहाज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।